चैनल पल्लवी ज्वल के और एक ब्लॉग में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिव लाइफ विद पुनीता। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। आज का मेरा ये जो ब्लॉग है, एक रिक्वेस्टेड ब्लॉग है। एक वीडियो को देखकर टाइट फेस कवर करके घर का क्लीनिंग करते हुए वीडियो शूट करने का मुझे चैलेंज दिया गया था, जो मैंने पूरा किया। मुझे प्रांजल जी ने दिया था, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पर मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। मैंने फेस को कवर कर लिया है और अब मैं क्लीनिंग शुरू करने जा रही हूँ। ऊपर का जो सेल्फ है, ये लॉन्ग वाला, वो हस्बैंड ने साफ़ कर दिया था और ऊपर के सारे झाले हस्बैंड ने क्लीन कर दिया था। मैं इस नीचे वाले सेल्फ से शुरू कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं जब भी क्लीनिंग शुरू करती हूँ तो ऊपर से ही शुरू करती हूँ। मैंने ऊपर के सेल्फ पे पेपर बिछाया हुआ है, बाकी नीचे जितने भी सेल्फ है उस पर मैंने मैट बिछाई हुई है। मैट बिछाने से ये होता है कि जितने भी डस्ट हैं वो मैट के ऊपर ही रह जाते हैं और आसानी से क्लीनिंग भी होती रहती है। गीले कपड़े से बस एक बार साफ़ कर दिया और मैट साफ़ हो जाती है, इसलिए मैं हर सेल्फ पे मैट बिछा के रखती हूँ। पहले मैं सारे सेल्फ से सामान को बाहर निकाल लेती हूँ, फिर जितने भी मकड़े के जाले लगे होते हैं उन्हें मैं साफ़ करती हूँ पूरी अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, मैंने इस अलमारी में वॉलपेपर लगाया है, ये मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। ये मुझे 300 के लमसम पड़ा था। मैंने इसे पूरी अलमारी के अंदर लगा दिया था, बाहर नहीं लगाया था, क्योंकि बाहर जो है वो कलर था, अंदर वाइट था, तो वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता था। इसलिए मैंने इस वॉलपेपर को सिर्फ अंदर के भाग में लगाया हुआ है। ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। फिर मैंने पूरे बेडरूम से मकड़े के जालों को साफ़ किया और खिड़की में थोड़े जाले लग गए थे, पर बाकी जगह जाले उतने नहीं लगे थे, क्योंकि मुझे अभी एक ही हफ्ता हुआ था क्लीनिंग किए हुए, इसलिए घर साफ़ था, ज़्यादा गंदा नहीं था घर। डस्ट और जालों को साफ़ करने के बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ। डस्टिंग करने के बाद मैं झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि जितना भी डस्ट निकलता है हमारे गिफ्ट से, अलमीरा से, वो सारे डस्ट फर्श पे ही रहते हैं, इसलिए डस्टिंग के बाद मैं झाड़ू लगाकर डस्ट को उठाकर बाहर रख देती हूँ। मैंने पूरे घर की क्लीनिंग कर ली थी। फ्रेंड्स, मैंने किचन डीप क्लीनिंग और लिविंग एरिया डीप क्लीनिंग का वीडियो बनाया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा वो वीडियो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से मेरा वीडियो वॉच कर सकते हैं। मैंने मेरे बेडरूम का पहले ही क्लीनिंग कर लिया था और वीडियो भी शूट कर लिया था। फिर मैंने प्रांजल जी का कमेंट पढ़ा और मैंने ये दूसरा वीडियो शूट किया फेस टाइट कवर करके। मैंने ड्रेसिंग के पीछे और अलमारी के पीछे से झाड़ू निकाल लिया है, जालों को साफ़ कर लिया है और मैं अब बेड के नीचे की क्लीनिंग करूँगी। फ्रेंड्स, बेड का कोना ऐसा होता है जहाँ पर जल्दी क्लीनिंग नहीं हो पाती है, इसलिए मैंने ये बड़ा सा स्टैंड रखा है झाली झाड़ने वाला। इसकी हेल्प से मैं अंदर से सारे गंदगी और जितने भी जाले होते हैं उन सबको बाहर निकाल लेती हूँ। इससे काफ़ी हेल्प मिलता है बेड के नीचे का एरिया क्लीन करने में। आप देख सकते हैं फ्रेंड, ज़्यादा डस्ट नहीं निकला है पूरे रूम से। जितना भी डस्ट निकला है मैं इसे बाहर रख दूँगी। अब मैं गीले कपड़े से पूरी अलमीरा को वॉलपेपर को क्लीन करूँगी अच्छी तरीके से। जितने भी उस पर दाग धब्बे लगे होंगे वो मैं इस गीले कपड़े की हेल्प से साफ़ करूँगी और इस पर आसानी से साफ़ हो जाते हैं जितने भी दाग धब्बे लगे होते हैं वो। और फिर जब ये ड्राई हो जाते हैं तब मैं इसमें टैडीज़ और गिफ्ट्स को लगा देती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने क्लीनिंग सुबह के 10 बजे शुरू की थी, इसलिए मैं अभी सिर्फ नाश्ता ही बनाई हूँ, लंच नहीं बनाई हूँ। बच्चे हस्बैंड के साथ पीटीएम में गए हुए हैं उनके स्कूल। क्लीनिंग करने के बाद मैं लंच बनाऊँगी और ये जितने भी गिफ्ट्स हैं इन्हें मैं गीले कपड़े से पोंछ लेती हूँ। इस बॉक्स में हेलीकॉप्टर है, ये रुपेश को गिफ्ट मिला था। टैडीज़ पर से मैं सिर्फ डस्ट ही साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले इस सभी टैडीज़ को वॉश किया था, इसलिए मैं इनके ऊपर से सिर्फ डस्ट ही साफ़ कर रही हूँ। इनमें ज़्यादा डस्ट नहीं था। सारे टैडीज़, रुपेश और छवि को गिफ्ट मिले हैं उनके बर्थडे पर। ये बड़ा वाला छवि को इस बर्थडे पर मिला है गिफ्ट। मैंने दो टैडी को हाथ से बनाया है, ये पर्पल एंड वाइट वाला, और ये जो पिंक में है इसे मैंने अपने हाथ से बनाया हुआ है।
सेल्फ ड्राई हो गए हैं। अब मैं इनमें सारे टेडीज़ को लगा दूंगी। और ये जो पिंक और येलो टेडी है ये मैंने मार्केट से परचेज किया है, और बाकी के सारे टेडी बच्चों को गिफ्ट मिले हैं। ऊपर की सेल्फ की दोनों डॉल भी छवि को इस बर्थडे पर गिफ्ट मिली। मैंने आप सभी के साथ अनबॉक्सिंग शेयर नहीं की, इसलिए मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ये सारे छवि और रुपेश को गिफ्ट मिले हैं। मैंने ऊपर की सेल्फ में गणेश जी और सरस्वती माँ और दो टेडी को लगाया है। नीचे की सेल्फ में मैंने तीन टेडी बियर लगाया है, उनके पीछे रुपेश का हेलीकॉप्टर रखा है। और साइड वाले सेल्फ में मैं बच्चों की बुक रखती हूँ। ये जितनी भी बुक और कॉपियाँ हैं वो इस साल की हैं, अब इनका काम नहीं है, मैं इन्हें रख देती हूँ, किसी और को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उन्हें दे दूँगी। बच्चों का एनुअल एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सारे बुक्स वो स्कूल में सबमिट हो जाते हैं, सबमिट करा लिए जाते हैं, कि जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं उन्हें ये सारे बुक्स स्कूल की तरफ से दे दिया जाता है। और मैंने इस सारी बुक्स को इस सेल्फ में लगा लिया है। इनके ऊपर मैं ये बड़ा वाला टेडी लगा दूँगी, ये काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। फ्रेंड्स, ये तीसरी वाले सेल्फ में मैंने ये कर्टन को धुल के, वाइट वाले कर्टन को धुल के यहाँ रख दी हूँ। होली आने वाली है, जब होली दो दिन रह जाएगी तब मैं इसे लगाऊंगी, क्योंकि वाइट कलर है बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, इसलिए मैंने इसे अभी नहीं लगाया है। जब मैं सारे कर्टन्स को धुल लूँगी तो एक साथ सारे कर्टन्स को लगा दूँगी। फिर मैंने बगल में मेडिसिन लगा दी है। अब मैं सिलाई मशीन की क्लीनिंग कर रही हूँ। मेरा सिलाई मशीन क्लीन है फ्रेंड्स, फिर भी मैं इसे हल्का हल्का हाथ फेर ले रही हूँ, और फिर मैं इसे कवर करके अलमारी में लगा दूँगी। सिलाई मशीन को मैं यहाँ पर रखती हूँ। अब मैं अलमारी को गीले कपड़े से साफ़ कर लूँगी। अलमारी पर लगा हुआ स्टिकर बच्चों ने लगाया है, मैंने इसे मार्केट से परचेज किया है, मैं इसे ऑनलाइन नहीं मंगाई हूँ। मैं ड्रेसिंग टेबल को भी क्लीन कर लेती हूँ गीले कपड़े से। मैंने ड्रेसिंग टेबल के कबर्ड को भी क्लीन कर लिया है। इस कबर्ड में मैं ऑयल रखती हूँ, पाउडर रखती हूँ, सैनिटाइज़र रखती हूँ, थिनर रखती हूँ, और पैर में लगाने वाले अलता रखती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं रखती हूँ। बीच के कबर्ड में मैं बच्चों के सिरप रखती हूँ, पेन ऑयल रखती हूँ, टॉर्च रखती हूँ, ज़्यादा कुछ मैं इसमें नहीं रखती हूँ। और किनारे वाले कबर्ड में मैं कान्हा जी के सामान रखती हूँ, उनमें उनकी मच्छरदानी होती है, बाकी सब सामान होते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं कैबिनेट को बाहर से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि अंदर की क्लीनिंग मैंने पहले ही कर ली थी, इसलिए मैं इस समय गीले कपड़े से सिर्फ बाहर का ही एरिया क्लीन कर रही हूँ। और मैंने अब बोर्ड्स को भी क्लीन कर लिया है, मैंने गीले कपड़े से फ़ोटो फ्रेम को भी क्लीन कर लिया है। मैं टीवी को जब भी क्लीन करती हूँ तो सूखे कपड़े से करती हूँ, गीले कपड़े से इसे मैं क्लीन नहीं करती हूँ। और होम थिएटर को सूखे कपड़े से क्लीन करती हूँ, बेड्स को मैं गीले कपड़े से ही क्लीन करती हूँ। फ्रेंड्स, ये लू का सीज़न चल रहा है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो घर को हम कितना भी क्लीन कर लेते हैं हल्के फुल्के डस्ट हमें हमेशा दिखते हैं। और मैंने बेड्स को क्लीन कर लिया है, और वॉच को भी मैंने क्लीन कर लिया। फ्रेंड्स, ये मेरा वॉल का जो स्टिकर है ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ये वॉल पे भी काफ़ी अच्छा लगता है, और मैंने इसे भी क्लीन कर लिया। अब मैं डोर को क्लीन कर रही हूँ। मैंने डोर पे कोई माइका नहीं लगवाया है, इसे सादा ही रखा है। मैंने इसे चॉकलेटी कलर के पेंट से पेंट कर दिया है, ये काफ़ी अच्छा लगता है पेंट, मुझे चॉकलेटी कलर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अपनी विंडो को और डोर को चॉकलेटी कलर से पेंट करवाया है। फ्रेंड्स, दूसरा रीज़न ये है कि बच्चे उसे गंदा ना करें, अगर ये लाइट कलर के होते तो ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते, और चॉकलेटी कलर के होने से गंदे होते हैं तो भी उभर के नहीं आते, फिर भी मैं इन्हें टाइम टाइम पे क्लीन करती रहती हूँ। मैंने क्लीनिंग के बाद बेडशीट को चेंज कर दिया है, क्योंकि क्लीनिंग करने से पहले मैं पुराने बेडशीट को हटा देती हूँ, और क्लीनिंग ख़त्म होने के बाद मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। बेडशीट चेंज करने के बाद मैं पोछा लगाती हूँ। फ्रेंड्स, पोछे के पानी में मैंने फिनाइल ऐड किया है। फ्रेंड्स, फिनाइल से जर्म्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और एक धीमी धीमी खुशबू आती है, वो हमें ताजगी जैसा फीलिंग कराती है, इसलिए मैं पोछे के पानी में फिनाइल ज़रूर ऐड करती हूँ। क्लीनिंग ख़त्म होने के बाद मेरा बेडरूम कुछ इस तरह दिख रहा था, ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, एक फ्रेशनेस जैसा फील हो रहा था इस रूम में मुझे।
हेलो प्रांजल जी, आपके कमेंट पे मैंने आपकी डिमांड पूरी कर दी। आपने जो डिमांड की थी कि फेस कवर करके आप डीप क्लीनिंग का वीडियो बनाइए, तो मैंने फेस कवर करके अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग का वीडियो बनाया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे पूरी वीडियो को वॉच करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। इससे मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।